हर इंसान अपनी लाइफ में एक बहुत प्यारी सी और रेडिएंट स्माइल चाहता है जो कि एकदम फ्लॉलेस हो। क्या आपको भी कभी इसकी ज़रूरत महसूस हुई है, और अगर हुई है तो आपने उसके लिए कभी कुछ किया है? ये क्वेश्चन जिन किसी की भी स्माइल्स में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि स्पेस हो टीथ के बीच में, या फिर दांत बाहर लगते हों या टेढ़े मेढ़े लगते हों, तो ऐसे लोगों को जनरली ब्रेसेस एडवाइस किए जाते हैं। बट एक बड़ा क्वेश्चन जो आपके सामने आता है वो होता है किस टाइप के ब्रेसेस, और ब्रेसेस आपके लिए उपयुक्त हैं या नहीं हैं, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। तो उसी सवाल को, जो कि हमें किस तरह के ब्रेसेस लगाने चाहिए, उसका जवाब देने के लिए मैं डॉक्टर अभिषेक जैन, जो कि आपके इन सब सवालों को कुछ हद तक सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जो ब्रेसेस की बेसिक तीन वैरायटी होती हैं वो हैं, पहला मेटल ब्रेसेस, दूसरा सेरेमिक ब्रेसेस, और तीसरा क्लियर अलाइनर्स। ठीक है, और एक एक करके अब हम इन तीनों को समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें मेटल ब्रेसेस की, तो मेटल ब्रेसेस के फ़ायदे और नुकसान। फ़ायदे, सबसे पहला फ़ायदा मेटल ब्रेसेस का है उनकी इफ़ेक्टिवनेस। मेटल ब्रेसेस सबसे पुराने, सबसे ट्रस्टेड, एंड हर एक तरीके से टूथ का मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में कराने के लिए सक्षम होते हैं। उसके अलावा उनकी ड्यूरेबिलिटी, चूँकि ये मेटल के होते हैं तो इनमें टूटने का खतरा सबसे कम होता है। हालांकि ये दांत से हट सकते हैं अगर हम कोई कड़क चीज़ खाते हैं तो। फिर तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है अफोर्डेबिलिटी। अगर हम बात करें ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट या ब्रेसेस वाले इलाज में, तो मेटल ब्रेसेस की कॉस्ट सबसे कम होती है एज़ कम्पेयर टू सिरेमिक ब्रेसेस एंड क्लियर अलाइनर्स। अब बात करें अगर नुकसान की, तो सबसे पहला नुकसान मेटल ब्रेसेस में क्या होता है, वो होता है विजिबिलिटी। मेटल ब्रेसेस दूर खड़े हुए इंसान को भी आपके मुंह के अंदर दिख जाएंगे। दूसरा नुकसान क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को या किसी इंसान को मेटल से एलर्जी है, तो उन पेशेंट्स में मेटल ब्रेसेस लगाने के नुकसान हो सकते हैं। तीसरा नुकसान क्या होता है मेटल ब्रेसेस का, डिस्कम्फर्ट। चाहे फिर मेटल ब्रेसेस हो या सिरेमिक ब्रेसेस, इनिशियल डिस्कम्फर्ट हमेशा रहेगा, और जो कि ब्रेसेस के टूटने के बाद और ज़्यादा बढ़ सकता है। फिर अगर हम बात करें दूसरा ऑप्शन जो होता है सिरेमिक ब्रेसेस का, उसमें फ़ायदे और नुकसान। तो फ़ायदा सिरेमिक ब्रेसेस में सबसे पहला ये होता है कि उसकी विजिबिलिटी एज़ कम्पेयर टू मेटल ब्रेसेस बहुत कम होती है, जिसकी वजह से दूर खड़े हुए इंसान को आपकी स्माइल में ब्रेसेस नहीं नज़र आएंगे। अगर आता भी है तो वायर, और वायर भी हम चाहें तो टूथ कलर लगा सकते हैं। फिर इसकी बात करें इफ़ेक्टिवनेस मेटल ब्रेसेस और सिरेमिक ब्रेसेस की बराबर होती है, तो ट्रीटमेंट के रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आता है दोनों ब्रेसेस से। फिर तीसरा, जो सिरेमिक ब्रेसेस होते हैं वो बीइंग टूथ कलर ब्रेसेस, उनमें स्टेन्स का खतरा नहीं रहता है। जो ब्रेसेस होते हैं वो अपना कलर मेंटेन रखते हैं थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। अब बात करें इसके नुकसान क्या है। पहला और सबसे बड़ा नुकसान सिरेमिक ब्रेसेस का ये होता है कि अगर आप अच्छे क्वालिटी के ब्रेसेस नहीं यूज़ कर रहे हो, तो वो टूटने का खतरा रहता है। दूसरा नुकसान क्या होता है, कॉस्ट मेटल ब्रेसेस से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट अफोर्डेबिलिटी वाइज ये हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम क्लियर अलाइनर जैसे कॉस्टली ऑप्शन पर नहीं जाना चाह रहे हैं, बट हम फिर भी चाहते हैं कि हम ऐसे ब्रेसेस पे जाएं जो कम नज़र आए। फिर तीसरा नुकसान क्या होता है, डिस्कम्फर्ट और ओरल हाइजीन। ये नुकसान सेम एज मेटल ब्रेसेस आपके ब्रेसेस में रहेगा, चाहे सिरेमिक ब्रेसेस हो चाहे मेटल ब्रेसेस हो। फिर थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, जो कि होते हैं क्लियर अलाइनर्स। टिल डेट अगर हम बात करते हैं, दिखने में सबसे इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पास खड़े इंसान को भी नज़र नहीं आएगा कि अगर आपने क्लियर अलाइनर लगा के रखे हैं तो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये रिमूवल होते हैं, तो अगर आप किसी फंक्शन में जाना चाहते हैं, या कोई शादी पार्टी, बर्थडे, या कोई भी सोशल इवेंट से आप ना ऑफिस आप अटेंड करना चाहते हैं, तो किसी भी एज में आप क्लियर अलाइनर्स को लगवा सकते हैं, जो कि इक्वली इफ़ेक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल और सिरेमिक ब्रेसेस। दूसरी चीज़ रिमूवल है, तो आप अपनी मर्जी से इसको निकाल भी सकते हैं। एडवाइस किया जाता है कि क्लियर अलाइनर्स को आप 22 से 24 घंटे पहन के रखें। ठीक है, फिर कंफर्ट वाइज अगर हम बात करें, तो ब्रेसेस में शुरुआत के 8-10 दिन डिफ़िकल्टी रहती है, चबाने के लिए रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, आप कड़क चीज़ें नहीं खा सकते, जो कि क्लियर अलाइनर्स में बिल्कुल भी नहीं होता है। आप क्लियर अलाइनर्स हटा के कुछ भी खा पी सकते हैं, जिससे कि आपकी फूड रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं रहेंगे।
अब बात करते हैं नुकसान की। एज सच क्लियर अलाइनर्स में कोई नुकसान नहीं है, बट कॉस्ट क्लियर अलाइनर्स का मेटल और सिरेमिक ब्रेसेस दोनों से ज़्यादा होता है। बाकी किसी भी तरह के डाउट के लिए आप एक बार अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि ही विल गाइड यू द बेस्ट। और जो आपके केस में रिक्वायरमेंट है, टाइम कितना लगेगा आपके केस में ठीक होने के लिए, ये सारी बातें आपको आपका ऑर्थोडोंटिस्ट ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। थैंक यू सो मच।